What does the graph say? Good morning, friends. Welcome once again to Nifty analysis from tradingfab.in. आज 23 जनवरी 2020 थर्सडे सुबह के 8:18 हो रहे हैं। कल निफ्टी इंडेक्स में फिर से एक बार प्रेशर बनता हुआ दिखाई दिया। लगातार तीसरे दिन निफ्टी इंडेक्स में प्रेशर हमें देखने को मिल रहा है। आज थर्सडे है, वीकली एक्सपायरी का दिन है निफ्टी और बैंक निफ्टी इंडेक्स का, तो काफ़ी वोलेटाइल मार्केट हो सकता है। निफ्टी अभी एक 50 DMA के सपोर्ट पर आ गया है, तो हो सकता है एक हल्का सा यहाँ से एक रिकवरी, एक पुल बैक देखने को मिले। तो आज क्या इंट्राडे लेवल्स हो सकते हैं उसको आइडेंटिफाई करेंगे, लेकिन सबसे पहले कल के एनालिसिस का एक क्विकली रिव्यू करते हैं। ये कल का पिक्चर है, यानी 22 जनवरी आफ्टर मार्केट आरएस ये पिक्चर लिया हुआ है। कल के प्लान के अकॉर्डिंग हमारा ब्रेकआउट लेवल बन रहा था 12,212 और ब्रेकडाउन लेवल बन रहा था 12,160। तो जैसे कि आप देख रहे हैं, ये 10 मिनट का निफ्टी इंडेक्स का चार्ट है। शुरू में जब निफ्टी इंडेक्स ओपन हुआ तो हमारा फर्स्ट टारगेट और ब्रेकआउट लेवल के बीच में यहाँ पर ओपन हुआ, तो शुरू में तो कोई यहाँ पर ट्रेड नहीं बनता, पर जैसे ही ये टूवर्ड साउथ की तरफ मूव करने लगा तो हमारा ब्रेकडाउन लेवल ब्रेक होने के बाद फर्स्ट टारगेट 12,143 ये अचीव हुआ, उसके बाद 12,130 ये भी अचीव हुआ, और इसी लेवल के पास कुछ समय ये पेनेट्रेट कर रहा था, और जैसे ये इस लेवल को भी इसने ब्रेक किया तो और भी टूवर्ड साउथ की तरफ ये मूव हुआ। तो कल के प्लान के अकॉर्डिंग हमारे पास अगर ट्रेड करने का मौका रहता तो 25 पॉइंट्स का ट्रेड करने का मौका था, और 10 लॉट्स के हिसाब से अगर ट्रेड करते तो अराउंड 18,750 का यहाँ पर प्रॉफिट बन सकता था। तो ये लेवल्स कैसे आइडेंटिफाई किए थे कल, तो उसका वीडियो यहाँ पर आपको ऊपर आए बटन में उसकी लिंक मिल जाएगी। तो ये था कल के एनालिसिस का एक क्विकली रिव्यू। ग्लोबल मार्केट्स के हालात देख लेते हैं। कल अमेरिकी बाजार नासडैक देखे तो वहाँ पर हल्की सी एक रिकवरी आते हुए नज़र आई, 12 पॉइंट्स के बढ़त के साथ बंद हुआ। यूरोपियन मार्केट्स देखे तो सभी कल लाल निशान में बंद हुए थे, काफ़ी प्रेशर वहाँ पर बनता हुआ दिखाई दे रहा है। और आज जब एशियाई मार्केट ओपन हो चुके हैं तो जापानीज इंडेक्स 153 पॉइंट्स की गिरावट दिखा रहा है। चाइना मार्केट भी लाल निशान में ट्रेड कर रहा है, और SGX निफ्टी अभी हल्की सी बढ़त के साथ इस समय ट्रेड कर रहा है। डाउ फ्यूचर देखे तो 24 पॉइंट की इस समय गिरावट दिखा रहा है। तो ओवरऑल ग्लोबल मार्केट से भी IMF का जो ग्लोबल ग्रोथ का फोरकास्ट है उसके बाद एक प्रेशर बनता हुआ दिखाई दे रहा है। तो आज चलते हैं निफ्टी में क्या होगा, इसको आइडेंटिफाई करते हैं, एनालिसिस करते हैं प्राइस चार्ट को। जैसे कि हमने यहाँ पर फिबोनाची रिट्रेसमेंट लेवल को ड्रॉ किया था वीकली चार्ट में, ये वीकली चार्ट है निफ्टी इंडेक्स का। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं अभी ये 23.6% का, जो कि 12,112 का लेवल यहाँ पर बन रहा था फर्स्ट सपोर्ट का, यहाँ पर निफ्टी इंडेक्स अभी आ चुका है। कल ऑलमोस्ट इस लेवल के पास ये क्लोज हुआ है। अगर इस लेवल को आप अगर ध्यान से देखें तो पास्ट में 3 वीक यहाँ पर ये इस लेवल को पेनेट्रेट कर रहा था, रेजिस्टेंस यहाँ पर फेस कर रहा था, और उसके बाद आगे जाकर इस लेवल के पास ये सपोर्ट टेस्ट कर रहा था। इस लेवल के नीचे 1, 2, 3, 4, 5 अभी ये 6th week है, इस लेवल के नीचे ये क्लोज नहीं हो पाया है। तो अभी इस वीक ख़त्म होने में 2 दिन बाकी है, तो क्या इस लेवल को ये रिस्पेक्ट करेगा, यहाँ से फिर से क्या हमें पुल बैक दिखाई देगा, या फिर अगर इस लेवल को ये कंफर्टेबली ब्रेक करता है टूवर्ड साउथ की तरफ तो नेक्स्ट सपोर्ट हमारा 38.2% का होगा, जो कि 11,900 के पास है, जहाँ पर आप देख सकते हैं ये 20 EMA का ये जो पिंक लाइन है एग्जैक्ट इसी लेवल के पास आ रहा है। तो यहाँ पर काफ़ी स्ट्रॉन्ग सपोर्ट बन सकता है 11,900 के पास। ये हम वीकली चार्ट को एनालिसिस कर रहे हैं, लॉन्ग टाइम फ्रेम का चार्ट है। तो अगर यहाँ से और भी करेक्शन गहराता है तो 20 EMA 11,900 के पास हमें एक स्ट्रॉन्ग सपोर्ट यहाँ से दिखाई दे सकता है। अभी ये बियरिश इंगल्फिंग पैटर्न यहाँ पर बन रहा है, 2 दिन बाकी है, देखते हैं यहाँ से अगर पुल बैक आता है और इस लेवल को अगर रिस्पेक्ट करता है निफ्टी इंडेक्स तो चांसेस होंगे इस लेवल से फिर से एक बार निफ्टी इंडेक्स में हमें ऊपर की तरफ तेज़ी देखने को मिले। फिलहाल अभी काफ़ी बियरिश मूड है तो वेट एंड वॉच करना होगा, अगर लॉन्ग पोजीशन बनाना है तो वेट करना होगा। ये वीकली चार्ट का सिनेरियो, चलते हैं डेली चार्ट में। डेली चार्ट की अगर हम बात करें तो कल जैसे कि हमने यहाँ पर आइडेंटिफाई किया था, अगर ऊपर पुल बैक आता है तो ये जो 20 EMA का ये जो पिंक लाइन है इसके ऊपर इसको सस्टेन करना पड़ेगा आर्ली चार्ट में, तो ही यहाँ से पुल बैक ऊपर की तरफ कंटिन्यू हो सकता है ये हम कह सकते हैं।
लेकिन जैसे ही निफ्टी इंडेक्स ओपन हुआ तो ये 20 एमए का यहाँ पर ये हर्डल बना था एज ए रेजिस्टेंस, तो इसको फेस करके ये फिर से टूवर्ड साउथ की तरफ ये मूव हुआ और हमारा ये जो फिबोनाची रेट्रेसमेंट का लेवल था इसी के पास ही ये सपोर्ट अभी फिलहाल ये टेस्ट कर रहा है। नीचे लगभग उसी रेंज के पास ही ये 50 एमए का ब्लू लाइन है जो कि 12,080 के पास है, तो ये एक स्ट्रॉन्ग सपोर्ट है इस समय। अगर ये सपोर्ट ब्रेक होता है तो यहाँ पर नेक्स्ट सपोर्ट का काम कर सकता है 12,000 का लेवल, यहाँ पर 12,020 के पास, जो कि पास्ट में काफ़ी समय एक रेजिस्टेंस का काम कर रहा था, एक साइकोलॉजिकल बैरियर है। तो 12,000 हमारा नेक्स्ट सपोर्ट होगा अगर निफ्टी इंडेक्स यहाँ से और भी टूवर्ड साउथ की तरफ मूव दिखाता है एज पर डेली चार्ट, तो हमारा 12,000 के पास एक सपोर्ट होगा। अगर ये सपोर्ट को टेस्ट करके रिस्पेक्ट करके बाउंस बैक दिखाता है तो फिर से तेज़ी अगर कंफर्म करना है तो ये डेली चार्ट में 20 ईएमए के ऊपर इसे सस्टेन करना पड़ेगा, तो ये हम यहाँ से फिर से एक बार निफ्टी इंडेक्स में तेज़ी देखने को मिल सकती है। तो यह डेली चार्ट और वीकली चार्ट का सिनेरियो जैसा हम एक्सपेक्ट कर रहे थे। अभी यह 20 एमए का रेजिस्टेंस लेके फिर से साउथ की तरफ मूव हुआ है, तो अभी ये फिलहाल ट्रैप हो चुका है मूविंग एवरेजेस के बीच में। तो ये जो मूविंग एवरेज है ये रेजिस्टेंस और सपोर्ट का यहाँ पर काम कर सकते हैं। चलते हैं 60 मिनट के चार्ट में। अगर आरएसआई को 60 मिनट के चार्ट से कंपेयर करें तो अभी ये ओवर सोल्ड जोन में पहुँच गया है आरएसआई। ये जो 30 का लाइन होता है, ये 30 का लेवल होता है, इसके नीचे आरएसआई जब भी चला जाता है तो इसे ओवरसोल्ड जोन माना जाता है, तभी चांसेस होते हैं कि एक यहाँ से रिकवरी देखने को मिले। जब भी आरएसआई 30 के नीचे चला जाता है तो प्राइस एक्शन में एक बाउंस बैक देखने को मिलता है। ये देखिए यहाँ पर ये ऊपर प्राइस एक्शन में हमें बाउंस बैक देखने को मिल रहा है, तो जैसे ओवरसोल्ड जोन और भी एक्सट्रीम ओवरसोल्ड बन सकता है तो चांसेस है कि यहाँ से एक बाउंस बैक आए, लेकिन ये जो अभी आरएसआई है ये ओवरसोल्ड जोन में पहुँच गया है तो ये एक्सट्रीम ओवरसोल्ड की तरफ भी जा सकता है। तो अभी यहाँ से अगर हमें इंट्राडे के लिए आज के लिए अगर लेवल्स को फाइंड आउट करना है तो कल का ये जगह लो का लेवल है यानी 12,086 के पास ये कल का जो लो है ये ब्रेक करता है तो ये हम आज इंट्राडे के लिए शॉर्ट पोजीशन यहाँ पर बना सकते हैं। तो ये हमारा होगा आज के लिए ब्रेकडाउन लेवल और इसके बाद हमारा फर्स्ट टारगेट होगा यहाँ पर ये 12,064, ये हमारा फर्स्ट टारगेट होगा अगर निफ्टी इंडेक्स 12,086 को ब्रेक करता है तो। और सेकेंड टारगेट यहाँ पर होगा, ये जो गैप यहाँ पर क्रिएट हुआ था, ये देखिए कुछ दिनों पहले यहाँ पर ये जो गैप क्रिएट हुआ था ये कल एक हाफ ये गैप फिल हुआ है, अभी तक पूरा गैप यहाँ पर फिल नहीं हुआ है, तो इस गैप का ये जो इनिशियल पॉइंट था 12,035 ये हमारा नेक्स्ट टारगेट होगा। तो यहाँ पर ये हुआ हमारा शॉर्ट पोजिशन बनाने का प्लान, और अगर ऊपर की तरफ अगर ये मूव करता है तो ये जो पिवट पॉइंट का लेवल है 12,139, आप देख सकते हैं इस गैप का ये जो ऊपर का लेवल था अपर बैंड का लेवल था उसी लेवल के पास ये पिवट पॉइंट का लेवल आ रहा है, और कल इसने कुछ समय जब यहाँ पर पॉज लिया था ऊपर जाते वक्त यहाँ पर इसी लेवल के पास इसने ये देखिए 3 घंटे यहाँ पर रेजिस्टेंस फेस किया था, हर्डल का काम कर रहा था ये लेवल। तो ये लेवल आज हमारा हो सकता है ब्रेकआउट लेवल, इसका हम कलर चेंज कर देते हैं, मार्क कर देते हैं एज अ ब्रेकआउट लेवल, ये हो सकता है हमारा ब्रेकआउट लेवल। और यहाँ से अगर ऊपर की तरफ सस्टेन करता है तो ये इंट्राडे के लिए हम बाय पोजीशन बना सकते हैं, और तभी हमारा फर्स्ट टारगेट होगा 12,150, 159, 158, ये हमारा फर्स्ट टारगेट होगा। और सेकेंड टारगेट होगा यहाँ से 12,176, ये हमारा सेकेंड टारगेट होगा। तो यह है निफ्टी के बारे में आज के लिए इंट्राडे लेवल्स। अगर आपको यह वीडियो एनालिसिस अच्छा लगा हो तो प्लीज़ हिट द लाइक बटन, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, आपके दोस्तों के साथ इस यूट्यूब चैनल को ज़रूर शेयर कीजिए। सो थैंक यू वेरी मच एंड हैप्पी ट्रेडिंग।